फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा इमरजेंसी में शाम के समय एक बच्चा जिसकी उम्र 8 साल थी, उसके पेरेंट्स उसको लेकर आए। बच्चा ठंडा पड़ा हुआ था, मुंह से झाग आ रहे थे। और तो पेरेंट्स ने बताया कि बच्चे को अभी आधा घंटे पहले उसको सांप ने काटा है। हमने लोकली एग्जामिन किया तो उसको राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में स्नैक बाइट के निशान थे और फिंगर मिली पड़ी हुई थी उसकी। जब हमने देखा मरीज़ की सांस लेने की प्रक्रिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और उसका ऑक्सीजन जो था वो 80% जा चुका था, उसकी दिल की धड़कन भी कम हो गई थी। इस समय में बच्चे की हालत कुछ समय में ही बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती थी और उसको जान का खतरा पूरा पूरा था। उसकी जान को बचाने के लिए हमने ट्यूब डालकर उसको एक वेंटिलेटर पर रख दिया जिससे उसकी सांस की प्रक्रिया सही हो सके और हमने एंटी स्नेक वेनम की सही मात्रा दे दी। इसके बाद कुछ ही 8 घंटों में पेशेंट की तबीयत में सुधार आने लग गया और वो इम्प्रूव हो गया उसके। ये कह रहा था पापा मेरी उंगली चिपकी उसके नीचे, नल के नीचे। मैं चल तो मैं तुम्हारी कागर दवाई गोली करवा देता हूँ, डॉक्टर के पास ले गया मैं इसको। जैसे मैंने इसको पकड़ा तो बिल्कुल एकदम ठंडा। फिर वहाँ पर और बच्चे भी खेले, नल के नीचे नीचे थी, इसके सांप ने खाया इसको। तो सांप ने खाया ना? हाँ, सांप बिल्कुल ठंडा हो रहा था, बिल्कुल एकदम। मैं इसको ठाक लाया, आँख आँख इसकी ऐसे चढ़ रही थी ऐसे, बिल्कुल बेहोश हालत में इसको यहाँ पे लेके आया। फिर यहाँ पे डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया ना ऐसे ऐसे यहाँ पे ये इलाज है, हो जाएगा आपका। आज इसको 8 या 9 दिन हो गए हैं इलाज ट्रीटमेंट इसका चलते हैं। जैसे वो हमें पता चला कि बच्चे ने सांस लेना बंद कर दिया था, बेहोश हो गया था, उसकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई थी, तो हमारी इमरजेंसी टीम में तुरंत उसे वेंटिलेटर पर ले लिया और एंटी स्नेक वेनम उसे तुरंत मिल गया। इसमें अब मैं अपने जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सपोर्ट बहुत की मैं तारीफ़ करूँगी कि हमारे कि जितने भी पेशेंट्स आए उनको हमेशा इस एंटी स्नेक वेनम ASV टाइमली मिला है जो कि लाइफ सेविंग होता है। तो आई रियली अप्रिशिएट फॉर दियर सपोर्ट। योगेश नाम का बच्चा हमारे पास स्नेक बाइट के साथ जब आया था तो सीधे इमरजेंसी में प्रेजेंट हुआ। स्नेक बाइट नोएडा में इज फेयरली कॉमन। हमारे पास पहले भी 4-5 बच्चे आ चुके हैं स्नेक बाइट के साथ। पिछली बार मोस्टली वो कोबरा बाइट के साथ ही आते हैं। ये बच्चा भी हमारे पास कोबरा बाइट के साथ ही आया था और जिस टाइम पे बच्चा आया था उस टाइम पे सांस नहीं ले पा रहा था। सीधे इमरजेंसी में लिया गया, इनको वेंटिलेटर पे रखा गया और ICU में शिफ्ट किया गया। बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन किया गया। हमारे पास हमेशा एंटी वेनम्स रहती हैं, फेलिक्स हॉस्पिटल में हमेशा एंटी वेनम रहता है। इस बच्चे को नियर अबाउट 40 वायल्स हमें देनी पड़ी एंटी वेनम की। उसके साथ कुछ और सपोर्टिव मेडिकेशन चलती है जिस क्योंकि इसमें बहुत प्रोफ्यूज सिक्रीशंस होते हैं बच्चे को। एक ICU टीम के साथ एक पर्टिकुलर नर्स हमेशा रखी जाती है क्योंकि जो वेंटिलेटर की ट्यूब होती है वो बार बार ब्लॉक होती है, इसमें सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। टाइमिंग बहुत ज़रूरी है कब हम इसको वेंटिलेटर से निकालें। पूरे विश्व में 80% जो स्नेक बाइट्स होती है वो इंडिया में ही होती है और पूरे साल में लगभग 10 लाख लोगों को स्नेक बाइट्स होती है और जिसके कारण 60,000 लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। मगर 70% जो स्नेक्स होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, उनमें विष नहीं होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जब भी कोई स्नेक बाइट होए तो याद रखें कि जो भी अगर उंगलियों में काटा है तो रिंग्स या कोई अगर ऑर्नमेंट्स पहने हैं तो उसे हटा दें क्योंकि सूजन होने की संभावना रहती है। और कभी भी स्नेक को पकड़ने की कोशिश ना करें, मारने की कोशिश ना करें उसी समय। और ख़ास तौर से कई अंधविश्वास होते हैं कि तांत्रिक को ढूंढते हैं तो वो कभी भी ना करें। कभी भी उस पर कभी गर्म हीट या कोल्ड कुछ भी ऐसे ना लगाए कोई इस तरीके की चीज़। और कभी भी अगर खून बह रहा हो तो उसको रस्सी से या जो रुमाल से कई लोग अंग को बांध देते हैं तो वो भी गलत होता है, उससे जो खून की मात्रा होती है कम जाती है अंगों में और उससे सिर्फ नुकसान ही होता है क्योंकि जो स्नेक वेनम है वो अंदरूनी जो वेसल्स होते हैं उससे ही ट्रैवल करता है। कभी भी उधर चीरा ना काटे क्योंकि जितना हम उधर चीरा काटेंगे तो उतना ही जो स्नेक वेनम है जो विष है उसका वो ज़्यादा अब्जॉर्ब होएगा। यूजली जो स्नेक बाइट्स होती है दो तरीके की होती है, या तो उसमें खून बहता रहेगा या फिर वो न्यूरोटॉक्सिक होती है जो मस्तिष्क और नब्जों को असर करती है।
और यूजली जो स्नेक बाइट के सिम्टम्स होते हैं कि जहाँ पे काटा है वहाँ पे नमनेस हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन हो जाती है, जलन हो जाती है और खूब जोर की दर्द होता है, सूजन होने की संभावना हो जाती है। अगर बात बढ़ जाती है कुछ टाइम के बाद, पेट में दर्द, सिर में दर्द, बेहोशी हो सकती है, साथ ही साथ में सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है।